Didi studies history and we enjoy visiting various places with her, right? और दीदी है वो history पढ़ रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा था उनके साथ सब देखने में, क्योंकि दीदी सारी जगह पे हमें story बताते हैं. Zil, Zil नाम की एक लड़की है. Wow, awesome. How huge this fort is, right? ये fort देख के बोला, अरे बहुत कितना बड़ा है ये fort. यशपाल, and look at what a height it is, it built, right? और कितनी ऊंचाई पे ये है. जिग्ना कहती है, oh, look at this door. Have you ever seen long wide door? कितने बड़े बड़े door होते हैं, right? तो आपने कभी ऐसे लंबे door देखे हैं? तो Zil बोल रही है, it looks very heavy. I wonder how many people would be needed to open and close this gate. Right, ये बहुत ही हैवी है, कितने पर्सन चाहिए होंगे इसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए. तो जिग्ना बोल रही है, व्हाट डू द शार्क आयन स्पोक ऑन द डोर लाइक, व्हाई वुड दे हैव इट पुट अप. ओके, शार्क नीकल लाइक रखा हुआ होता है डोर के ऊपर क्योंकि वो दुश्मन से बचने के लिए होता है. राइट, लुक एट इट्स थिक वाइड वॉल, उसकी जो ठीक है वाइड वॉल है वो देखो. तो यशपाल बोल रहा है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. यशपाल बोल रहा है, मैंने इतनी थिक वॉल कभी नहीं देखी है. जिग्ना बोल रही है, एट सम प्लेसेस दिस वॉल प्रोड्यूसेस इन अ सर्कुलर शेप टुवर्ड्स द फ्रंट. आई वंडर व्हाई इज सो दैट. दीदी बोल रही है, इट इज कॉल्ड वेस्टर्न. वेस्टर्न मतलब गॉड. See, there are even higher than the wall, right? Wall से भी बहुत ऊँचे हैं. There are many basins in the outer wall of the fort. Thick wall, huge gates and so many basins. How strong measure have been taken for the protection of the fort? So much inside the fort, right? ये फोर्ट के अंदर क्या है? तो Zil बोल रही है, Was this fort built by a king for his own residence? How old is this? Jigna, yes, I hear that this fort was built during the time of Chandragupta Maurya. Didi बोल रही है, this is very old fort. The construction of this fort was completed in before Christ 390, but remaining desert for the long time. Later on, in 976 AD, it was renovated. But many rulers ruled here and made change in fort as their desired wish. Okay. Then Zil. Zil पूछ रही है, Oh, see, there is a map of the fort on this wall. Right? यशपाल बोल रहा है, दिस मैप शोज द ट्रीज, सेपन, वेल्स एटसेट्रा एंड लुक देयर आर सम प्लेसेस टू. ठीक है, देखो यहाँ पे एक मैप दिखाया है जिसमें सेपन है, वेल है, सब कुछ है. राइट, फिर Zil बोल रही है, दिस मीन्स दैट नॉट ओनली द किंग बट मेनी अदर वुड लाइव इन द फोर्ट. जिग्ना, इट माइट हैव बीन होल टाउन. ओके, इसमें पूरा गांव वापस जाता होगा. यशपाल बोल रहा है, दिस बिल्डिंग इज रियली वर्थ सीन. राइट, ये बिल्डिंग रियली देखना बहुत ही अच्छा होता है. Zil बोल रही है, इवन इन दोज डेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स वेर सो एस्टोनिशिंग. मतलब बहुत उस टाइम पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ही एस्टोनिशिंग. एस्टोनिशिंग मतलब अद्भुत.
See, this is really big cannon. Okay, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी cannon है, right? This is really big cannon. The same cannon balls that are on this side might have been used in A. Didi, we want to know more about this cannon, right? हमें ये cannon के बारे में ज़्यादा जानना है. तो दीदी ने क्या बताया? The name of this cannon is Neelam, right? ये cannon का नाम क्या है? Neelam. Step well.
time of Nauvan, king of Chudasma dynasty. एक चुडासमा dynasty का नौगान king था, उसने बनाया था ये कुआ. There is a bear in the middle and stair around it. The stairs have open window without large lattices. Gets at certain distance to allow sunlight air to enter. This well is 171 feet deep. There are total 204 steps have been carved on the stairs around the well to reach out to the water. What a sad sight. Talking, whistling, listening to our own ego, we were walking through the Buddha's cave. वो लोग कहाँ गए? बुद्धिस के केव में गए, राइट? यशपाल, हाउ कूल इज द एयर हियर? सबसे नीचे एयर बहुत ही ठंडी थी. जिल ने बोला, इट वॉज रिटन दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टे हियर, राइट? बुद्धिस्ट मॉन्क्स मतलब जो वहाँ के साधु संत थे वो वहाँ पे रहते थे. यशपाल, रीड दिस वॉल बट सी हाउ द वॉल लुक लाइक, राइट? राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड. जो ऐसे हेरिटेज होते हैं ना हिस्ट्री वाले, उसके ऊपर हमें लिखना नहीं चाहिए, राइट? यहाँ पे देखो ऐसा वर्ड लिखा होता है, राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, मतलब वॉल के ऊपर लिखना मनाही है, ठीक है? फिर भी यहाँ के वॉल कैसे थे देखो, राइट? उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था. तो यशपाल बोल रहा है, रीड दिस बोर्ड बट सी हाउ द वॉल लुक लाइक. Zeal, oh, think how this wall look after thousands of years. It has seen king and queens, horses and elephants, where the peace, etc. But we have spoiled it in just a few years. हमने कुछ ही साल में इसको spoil कर दिया. Close your eyes and go back in time. Imagine that you are in those days when Upperkot was the busy town. Think about the question given below and discuss in the class. You can even enact a play. What is the king doing in the place? Next is imagining the room in the place. The beautiful carpet and curtains of the fountain and the terrace, right? Then museum. ऐसा आप कभी फोर्ट में जाओगे ना तो पुरानी चीजों का म्यूजियम होता है, राइट? आफ्टर सीइंग अपर फोर्ट द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन जूनागढ़. मैनी एंशियंट आइटम वर कैप्ट देयर, सच अ पॉट्स, वेसल्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड, हाउडा एंड पुट ऑन द एलिफेंट. झील बोल रही है, ओ व्हाई आर दीज हाउडा एंड प्लैंकन? तो दीदी बोल रही है, इट इज टू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव, व्हाट दे यूज्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे मेड. इफ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर, हाउ कुड वी नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट योर ओन म्यूजियम. रजनी टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला. शी हैज कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल हाउस टूगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक्स, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर, उसको पादुका बोलते हैं, पोज एटसेट्रा. दे ऑल्सो सॉ दैट दीज थिंग्स लुक लाइक टूडे. रजनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज एन एग्जीबिशन. और ये सारी चीज़ें जो उसने कलेक्ट की ना, कौन कौन सी चीज़ें, पुरानी स्टिक थी, लॉक था, अम्ब्रेला थी, वुडन के स्लीपर थे, उसका एग्जीबिशन रखा, सबको देखने के लिए बुलाते हैं और टेबल के ऊपर रखते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीबिशन. विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम टू सी. यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल. हमें भी अगर बहुत पुरानी चीज़ें कुछ मिलती हैं तो हम हमारे स्कूल में उसका एग्जीबिशन रख सकते हैं. लुक एट द पेंटिंग एंड टेल दिस पेंटिंग.
हंड्रेड ओल्ड, इट शोज द आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राइट। देखो ये जो पेंटिंग दिख रहा है वो कितने साल पुराना है, 500 ईयर्स ओल्ड है, राइट। हाउ मैनी मैन एंड वुमन आर वर्किंग, ये क्या बन रहा है, आगरा फोर्ट बन, आगरा का किला बन रहा है, कितने सारे मैन एंड वुमन उसमें काम कर रहे हैं। सो हाउ दे आर टॉकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, देखो वो कितना ह्यूज पिलर है वो स्लोप पे लगा रहे हैं। इट इज इजियर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट डाउन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट अप, कैन यू सी मैन कैरिंग वाटर इन द मशक, राइट। वो अपने मशक में पानी भर के जा रहे हैं, राइट। तो पहले के ज़माने में पानी मशक में भरते थे, अभी जैसे हम स्टील के वाटर बॉटल भरते हैं ना वैसे, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में हम लोग ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Thank you.